ओके तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्यूशन होता क्या है। इंट्यूशन को एकदम देसी भाषा में, अपन वो किताबों वाला डेटा नहीं पढ़ेंगे, आपको पता ही होगा मैं उल्टा ही पढ़ाता हूँ राहु की वजह से। तो सबसे पहले इंट्यूशन की जब भी बात करें तो ये एक एहसास पकड़ लो इसको, एक फीलिंग्स भी बोल सकते हो, थॉट भी बोल सकते हो। अभी होता क्या है, जब भी हम घर से इसको है ना स्लोली स्लोली कनेक्ट भी करना अपने साथ में, इससे कोई मतलब नहीं है हमको ऑकल्ट आता है नहीं आता है, वो सब साइड में रहने दो। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें पकड़ सकते हैं। एक सिंपल सा अगर एग्जांपल लें इंट्यूशन का ना, तो सबसे पहली चीज तो आप ये पकड़ लो कि जब भी लाइफ में कुछ हो रहा है या हम लोग घर से बाहर जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं, तो उस समय अचानक से हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि शायद ये चीज नहीं होगी, ये नहीं होगा, और आप देखोगे उस दिन वही होता है। अभी यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग तो क्या करते हैं कि बोल देते हैं कि नहीं यार ये नहीं होने वाला है, बेकार में हम लोग जा रहे हैं। और एक बंदा क्या करता है, साथ में घूम फिर के आके फ्लॉप शो होने के बाद में अंदर सोचता है यार मुझे सुबह लगा तो था कि ये नहीं होने वाला है। दूसरा एकदम सिंपल एग्जाम्पल क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कल सुबह शादी में जाना है सबको, है ना, तो हम लोग रात को 11 बजे तक ऐसे ही कुछ गप्पे लड़ा रहे हैं या जो कुछ ही कर रहे हैं, फिर बाद में अचानक से पता चलता है कि किसी एक एक दिल में ख्याल आता है सुबह यार बस छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, उठने में लेट होगा, कुछ भूल जाएंगे, और सुबह उठते ही हमको पता चलता है कि यस हमने चीजें लेट हम लेट उठे हैं, लेट हो गया, ट्रेन छूट गई, बस छूट गई। तो ये सब चीजें एक्चुअली में इंट्यूशन है। बट ये हुआ है किसी के साथ में क्या, कभी कभार ऐसा क्लिक हुआ है, भले 6 महीने में हुआ होगा, बट डेफिनेटली हर किसी के लाइफ में ये चीज हुई ही है, कुछ ना कुछ गारंटेड हुई है। हाँ किसी ने हाँ सर, मतलब लगता है कभी गाड़ी चला तो एक लगता है कि आज शायद पेट्रोल खत्म हो जाएगा, और 10-15 मिनट बाद खत्म ही हो जाता है वो। बराबर है। तो अभी यहाँ पर होता क्या है मालूम है कि सबसे पहले तो क्या करेंगे कि इन चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, कोई ये नहीं अपना रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना, थोड़ी थोड़ी चीजों को ध्यान देना। जैसे एग्जांपल्स भी देता हूँ मैं, अगर मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल बहुत ज्यादा देने वाला हूँ, बहुत ज्यादा ये लेने वाला हूँ मैं, तो उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कनेक्ट करना। जैसे अभी इन्होंने गिरीश जी ने बोला कि गाड़ी चलाते समय, मैं जब भी कार ड्राइव कर रहा होता हूँ और अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आ गया कि सामने टर्न है, कई बार होता है ना अननोन रोड से जाते हैं, हमें नहीं पता होता सामने टर्न है, सामने गाड़ी आएगी, बट अचानक से थॉट आता है दिमाग में कि आगे टर्न है और सामने गाड़ी हो सकती है, आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड कि लेट्स सी, और देख के खुशी होती है यार यस सर टर्न, ये आपकी फोटो नहीं आ रही है, साहब मेरी फोटो नहीं आ रही है। आ गई जी। एक मिनट, उस कंडीशन में स्पीकर व्यू पे मुझे रखना होगा, आपके उसमें स्पीकर ऑन कर दो, जो भी बोल रहा है वही सामने आएगा ही। नहीं तो रुको मैं बाकी को म्यूट कर लेता हूँ अभी टेम्पररी। ओके तो इसमें क्या करना है, देखो ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है और इतना बड़ा मजे से मैंने प्रैक्टिस किया इन चीजों पे कि रूपल जी देखो आपके सामने कुछ ट्राई करते हैं। आगे रूपल जी, आपको आज डाइजेशन रिलेटेड कुछ इश्यूज है क्या? हाँ क्या ना, अनम्यूट करके बोलो ना। नहीं हो रहा क्यों, क्या वाई दिस कोलावरी, अभी ट्राई करो। हाँ सर, है देखो इनडाइजेशन थोड़ा है। हाँ अभी यहाँ पे कुछ नहीं किया है, मैं कोई तांत्रिक वांत्रिक कोई सिद्धि प्राप्त करके नहीं बैठा हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रहा था, अचानक इनका चेहरा देखा मुझे हुआ कि इनके पेट में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा, मैंने सीधा फेंक दिया। याद रखो इंट्यूशन के साथ में खेलो, सबसे पहली चीज तो याद रखना ऑकल्ट को लेकर के मजाक मजाक में काम करो। अगर आपके दिमाग में आ रहा है यही, जैसे आप जा रहे हो एग्जाम की बात कर रहे हो, या फिर आप अपने बचपन में याद करो, जब लोग आप लोगों ने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो वहां पर एक चीज हुई होगी आप लोगों के साथ में कि ये सवाल पक्का आएगा, ये क्वेश्चन आएगा 100% आएगा, और फिर नहीं आया तो जाने दो, हमने ही उसको इग्नोर किया, यही पूरा खिचड़ी है हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना, ये दूसरा तरफ नहीं आएगा रे ये सवाल, लास्ट टाइम भी नहीं आया वा नहीं आएगा, तो हम उसको स्किप करते हैं, सुबह जाकर के सर पकड़ के बैठते हैं यार ये रात को मेरे को दिमाग में आया तो था कि ये सवाल हमको कवर करना चाहिए, ये आने के चांसेस है, बट हमने नहीं किया। क्लियर है ये?
इंट्यूशन है क्या? अचानक से एक थॉट आता है, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जब किसी के घर पे जाता हूँ ऐसे, आप लोग मेरे सामने होते ना, और जैसे ही थॉट आया मैं फटाक से फेंक देता हूँ, लोगों को लगता है बाबा चमत्कार ही है, कोई चमत्कार नहीं है, थॉट आया फेंक दो, सिंपल सा लॉजिक है। और यही चीजों में प्रैक्टिस कर लोगे ना, खेलो मतलब, प्रैक्टिस तो क्या करोगे, कोई होमवर्क तो, यानी कि डेली प्रैक्टिस करोगे। दूसरा चीज इसको प्रैक्टिस में कैसे लाओगे, थोड़ा गैस करना सीखो कि फॉर एग्जाम्पल आज बच्चा जा रहा है इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना, या आप कहीं जा रहे हो किसी से मिलने के लिए, या सुबह उठते ही आज घर का माहौल कैसा रहेगा, तो हल्का सा गैस करो कि आज घर में थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट के चांसेस हैं, थोड़ा गैस करो। अगर आपको फील होता है कि यस हो सकते हैं, फिर वेट करो। अगर शाम तक हो गए तो फिर खुश हो जाओ, यस यस मुझे लगा था एक्सीडेंट होने वाला था, हो गया, लड़ाई होने वाली थी, हो गई। ये प्रैक्टिस करना आपने शुरू कर दिया ना, थोड़े दिन बाद आपको सब। लेकिन याद रखना इसके पीछे का थोड़ा सा गंदा साइंस, गंदा साइंस क्या है मालूम है, इंट्यूशन के बेस पे अगर आपने लाइफ को जीना सीख लिया ना, तो मिरेकल लाइफ हो जाएगी, गारंटेड। आप ट्राई करके देखो, जिस दिन आपका इंट्यूशन कुछ हद तक अच्छा हो जाएगा ना, मजा आ जाएगा। अभी आज ये क्लास आज ही क्यों रखा पता है, मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में अचानक थॉट आया कि यार वो इंट्यूशन वाला पेंडिंग है, मारो, मैंने डाल दिया, खत्म कहानी। सर हाँ, उसमें मुझे एक डाउट पूछना है। हाँ? जैसा आप जो बोल रहे हैं कि ऐसा आप देखो कि ऐसा हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप वो प्रैक्टिस में लाओ, तो कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं? अगर वो चीज को हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो रियलिटी में परसिस्ट होना ही है, तो फिर वो भी तो गलत होगा। नहीं नहीं आ रहा हूँ ना उसके ऊपर आ रहा हूँ, देखो इसको थोड़ा सा एक स्टोरी से समझो, क्या हो क्या रहा लाइफ में। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको ऐसे पकड़ो कि आपकी लाइफ में अगर आप इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो तो दो राजा हैं आपकी लाइफ में, दो जने ड्राइवर हैं, ये आपकी गाड़ी है ना, वो दो जने चला रहे हैं, एक तो आप चला रहे हो, आप एक तो आप, जहां पर आपने बोला अपनी गाड़ी धीरे चला या फिर अचानक मूड में हो गया फुल स्पीड में भगा, आज तो मजे करेंगे, और आपका इंट्यूशन बोल रहा है, आपका एहसास, आपका फीलिंग बोल रहा है स्लो जा भाई, आगे रोड खराब हो सकता है। तो दो अलग अलग पर्सन है वो आपकी लाइफ को ड्राइव कर रहे हैं, बाबा जी कहीं नहीं जा रहे हो, ठोक ठुका करके गाड़ी का एक्सीडेंट करके सत्यानाश करके हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि या तो इंट्यूशन के हाथ में गाड़ी दे दो अपनी, जिसको पता है क्या होने वाला है, कब क्या हो सकता है, या फिर क्या करो खुद ही चला लो इंट्यूशन के तेल लगाने। बट हम 50-50 जीते हैं, जैसे किसी ने फोन नहीं उठाया, आपने किसी को फोन किया, सामने वाले ने फोन नहीं उठाया, एक थॉट आपका पास में एकदम आराम से कनेक्ट करना कि अगर फोन नहीं उठाया सामने लेना, एक साइड से तो आवाज हो सकता है शायद घर के काम में बिजी होगी, बर्तन मांज रही होगी, पोछा मार रही होगी, दूसरा कॉल किया, तीसरा कॉल किया, उसके बाद में तीसरा, तो हमारा दिमाग का थॉट क्या आता है, साला फोन नहीं उठाया, इसके नाटक बहुत बढ़ गए हैं, फलाना ढिमका ये हो गया, झगड़ा शुरू। तो कभी कभी आप वेट क्यों नहीं करते, फिर बाद में क्या होता है पता चलता है कि नहीं यार एक्चुअली में वो वास्तव में बिजी थी, वो कुछ काम कर रही थी जिसकी वजह से हमसे बात नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। तो ये सिंपल से एकदम लॉजिक है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। मैं अभी बताऊं कि इसके अंदर मैंने कैसे कैसे काम किया है, ठीक है ना, कुछ एग्जांपल। बट इंट्यूशंस बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं ना, ऐसा कि अचानक हम एकदम ब्लैंक स्टेट में है, बट कुछ तो भी ऐसा थॉट आया, वो अचानक से आया, और उसको हम बोलेंगे कि वो इंट्यूशन। जैसे मैंने किसी पर्सन के बारे में सोचा और वो रियलिटी में आके खड़ा हो गया, वो मतलब एक हो गया कि ये अचानक आ गया, वो मैंने उसको कोई क्रिएट नहीं किया एंड वो कोई मेरा क्रिएशन नहीं है, बट वो जस्ट बाय डिफॉल्ट वो माइंड में आया था एंड वो रियल हो गया ऐसा। तो ये मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ जो आप बोल। देखो इंट्यूशन का मतलब क्या है, दो दो इसको फीलिंग भी बोल सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह आप उठे, सुबह आप उठे और अचानक से लगा ना हल्का सा मतलब डाउन फील कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि शायद मैं बीमार हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, वो हो रहा हूँ, या शायद मेरी हेल्थ आज डाउन है, एग्जीक्यूट हो गया। तो इंट्यूशन में और आप जो बोल रहे हो क्या बोल सकते हैं इसको मैनिफेस्टेशन में, मैनिफेस्टेशन में और इसमें फर्क क्या है, तो इसको बहुत प्रैक्टिस लगेगी आपको कि कौन सा इंट्यूशन है और कौन सा मतलब आप क्या बोल सकते हो इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। पहली बात तो मैनिफेस्ट में सबसे बड़ा लफड़ा ये है ना कि हम कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, ये जो तुमने बोला ना कहा गया दिना, ये इतनी बकवास चीज है ना जो मैंने रियलाइज किया, और मैंने लास्ट 25 दिन से इसके ऊपर काम करना शुरू किया। सबसे बड़ा पंगा क्या है मालूम है कि अगर समझो एक ये क्लास अपन लॉन्च कर रहे हैं 100 रुपये में, अरे बहुत अच्छा टॉपिक है इसको ये बढ़ पढ़ाना एकदम जोश में,
और 100 रुपया रखेंगे सर, 10 लोग भी नहीं आने वाला, अंदर से एक थॉट आता है सत्यानाश हो गया। क्योंकि इसको कैसे समझोगे, थोड़ा साइकोलॉजिकली कनेक्ट करोगे ना, तो हमारी लाइफ में जैसे बचपन की बात करो तो थोड़ा सा अगर बचपन में जाने का ट्राई करोगे ना, तो अगर हम सबसे ये पूछा जाए कि बचपन कैसा था, तो वहां पे एक चीज आएगी कि हमको मारा गया, हमने चॉकलेट मांगी, मारा गया, पीटा गया, पैसा तेरा बाप कमा के लाया है, फालतू में पैसा पड़ा है, फलाना ढिंका, ये वो सारी बातें करके, तो ऐसे ऐसे जो थॉट है ना वो अंदर बैठे हुए हैं। तो कई बार क्या होता है कि रिजेक्शन का, फेलियर का एक थॉट हमारे दिमाग में घुसा पड़ा है, चाहे वो गवर्नमेंट के स्कूल के टीचर्स ने किया, चाहे हम लोगों ने किया, दोस्तों ने किया, फैमिली ने किया, तो ये इतनी वाट लगाते हैं ना, तो एक सर्टेन टाइम के बाद में वो अंदर के अंदर थॉट रहता है। मैं खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरे साथ में बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा, बट उसी के अंदर सबसे बड़ा ओवरकम कैसे किया मालूम है, सब लोग बोलते हैं पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो, नहीं सोच पाते हैं। मर्सिडीज मेरी खाब है, मैं अभी आप में से कोई बोले पॉजिटिव पे किसी ने काम किया, आई थिंक निर्मल बाबा है अपने पास शायद, तो बोलते हैं लोग पॉजिटिव सोचो, आप सब लोगों की ख्वाहिश नहीं है क्या एक बंगला हो, मर्सिडीज हो, फलाना ढिंका, ये सब नहीं है? हम पॉजिटिव नहीं सोचते घंटा कुछ नहीं सोचते हैं। देखो दो चीज है, होता है क्या मालूम है, ऊपर से तो सोचते हैं मर्सिडीज 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 मैं ले लूंगा, कांच के सामने खड़े हो जाओ मिरर के सामने और बोलो जोर जोर से, लेकिन एक अंदर थॉट आता है भाई साहब महीने का 15,000 तो पगार है, उसमें घुमा फिरा करके वही 2-3 हज़ार बचते हैं, उसमें से कहां से तू मर्सिडीज लेगा, भाड़े की नहीं ले सकता है। ये जो अंदर का डीप थॉट है ना, इसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने का सबसे बेस्ट प्रैक्टिस, मिरेकल प्रैक्टिस, जो अभी 25 डेज से मैंने लिया, और आप में से एक सिस्टर है उसकी बदौलत हुआ ये, क्योंकि जिसकी थ्रू आया है उसको तो ग्रेटिट्यूड डेफिनेटली देंगे हम। वहां पे क्या हुआ कि मैंने शायद कुछ क्लासेस में बताया भी है ये टॉपिक के, उसमें क्या किया वो लेडीज क्या करती है, उसकी लाइफ में कुछ भी सोचती है ना, उसमें एक ही चीज है वो जाने, मतलब यहाँ पर क्या करना है हमको कि यार मुझे क्लास में 1,000 स्टूडेंट चाहिए, सोच के खत्म कर दूं। जैसे कोई थॉट आया, नहीं यार नहीं आएंगे, 10 लोग ही आएंगे, कोई बात नहीं ऊपर वाला देखेगा, कोई बात नहीं ऊपर वाला देखेगा, एग्जाम देने जा रहे हो, अरे यार मुश्किल से पास होऊंगा, जाने दो, देखा जाएगा ऊपर वाला। ये जैसे ही थॉट आता है ना, उसको ऊपर वाले के हाथ में डाल दो, क्योंकि बाकी तो तुम ऐसे बोलोगे ना, मैं फर्स्ट आऊंगा, 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 फर्स्ट आऊंगा, लेकिन अंदर से वो एक डर है, उस डर को निकालने को टाइम लगेगा। और उसके अंदर फिर एक सबकॉन्शियस की थ्योरी आती है कि सबकॉन्शियस में जाने दो थॉट, तो उतना इजी नहीं है हम सबके लिए प्रैक्टिस करना कि हम सबकॉन्शियस के अंदर पॉजिटिव थॉट डाल दें, टाइम लगेगा उसमें, उससे अच्छा भगवान के भरोसे डाल दो। इससे क्या होगा मालूम है, 2 महीना 3 महीना 4 महीने के बाद में क्या हो जाएगा, आप नेगेटिव सोचना बंद कर दोगे कि क्या मेरे को, मेरे पास नेगेटिव स्टूडेंट को लेकर के जो नेगेटिव थॉट्स है कि स्टूडेंट नहीं आएंगे, वो सोच ही नहीं रहा हूँ मैं, भगवान जाने जो भी होगा, भगवान जाने जो भी होगा, भगवान जाने। तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा मालूम है, क्या आपका ये नेगेटिव थॉट बंद हो जाएगा, कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगा, भगवान के भरोसे आपने डाल दिया। और 2-3 महीने बाद ऐसी एक कंडीशन आ सकती है जहाँ पे आपके पास में नेगेटिव थॉट रहेंगे ही नहीं, तब आप क्या करोगे, फिर क्या करके आप पॉजिटिव थॉट के ऊपर अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ पे अपने हाथ से कुछ काम होगा। तो इंटीशन का सबसे अच्छा तरीका यही है। दूसरा क्या करो, इसको अलग अलग तरीके से यूज करना है। अगर अभी आप क्लास में हो, अपन सब ये डिस्कस कर रहे हैं, इसी बीच में अगर आपके दिमाग में ख्याल आ गया यार एक दिया जला देता हूँ, याद रखना है इसको, एक दिया कर देना है, लगा दो। अभी ये मत सोचना कि दिया हनुमान जी के लिए लगाना है, पितरों का लगाना है, मेरे नाम का, किसके नाम का, सब छोड़ो, एक दिया जला दो। मैं यही करता हूँ, अचानक से घर वाले परेशान है, मैं आप लोगों के भी घर पे आऊंगा ना, अचानक रात को ऐसे मंत्र जाप करने बैठ जाऊंगा, अब पता चला मैं तो महादेव को मानता हूँ पर मैं हनुमान जी के मंत्र लेकर के बैठ गया हूँ। तो ये सब चीज क्या है, मिरेकल काम करता है, मिरेकल। आपके अंदर एक भगवान बैठा हुआ, एक चीज याद रखना हमेशा, उसको भगवान ही बोलेंगे हम। हाँ शुक्ला जी बोलिए। मैं भी यही कहने वाली थी कि एक्चुअली हमारे जो यूनिवर्स है ना, वो हमको गाइड करता है। जैसे जो हम इंट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स हमको गाइड करते हैं, आपका सबकॉन्शियस लेवल आपको वहां पे इंट्यूशन, मतलब एक थॉट देता है कि ये ऐसा नहीं होगा, या मेरा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, या जो भी एक्स वाई सी। तो ये एक तरह से यूनिवर्स इज ट्राइंग टू सेव अस। उस समय अगर हमने वो कैच किया तो ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन। मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि जब हम डेलिबरेटली यू नो उसको प्रे करते हैं कि मेरे को ना ये चीज मिलनी चाहिए, हे भगवान मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, दैट इज मैनिफेस्टेशन। तो इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन में ये फर्क है। इंट्यूशन इज दैट थॉट विल कम, दैट इज बेसिकली शोइंग, द यूनिवर्स इज शोइंग दैट आई प्रोटेक्ट यू। वो डिफरेंस है। हाँ,
अभी जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना लास्ट 25 डेज की बात बताऊं तो 25 डेज से मेरे घर में आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ है साला। रीजन क्या है मालूम है? मैंने वो सोचा ही नहीं है, नहीं तो सुबह उठते हैं किसी, मेरे को ये होता था अरे छोटे बच्चे का शक्ल देखी आज तो 12 बजने वाली है, इसका फोन उठाया 12 बजने वाली, नहीं भगवान करे वो सही। आज देखो कोइंसिडेंटली मेरे दिमाग में एक विश थी सुबह सुबह, मेरे मेरे कंपनी के 2 फैक्ट्रीज है, एक तो यही है मतलब हार्डली 1 किलोमीटर, और दूसरा फैक्ट्री जो है वो 7 किलोमीटर दूर है, तो मुझे वहां आज नहीं जाने का मूड था, तो मैंने कहा कि यार आज उधर नहीं जाना है, बट उसको लेकर के मैं कुछ सोच नहीं पाया ड्यू टू दिस 25 डेज ऑफ प्रैक्टिस। मैं नहीं सोच पाया कि वहाँ यहाँ नहीं रहने को मिलेगा, मेरे को बॉस क्या बोलेगा, कुछ थॉट नहीं आया। अब लकीली हुआ क्या मालूम है, उठा नहा धो करके रेडी हो रहा हूँ, तब तक एक मैसेज आया मुझे एडमिन से कि ये वाली फैक्ट्री में 1 किलोमीटर दूर जो फैक्ट्री है उसमें पंचिंग मशीन काम नहीं कर रहे हैं अटेंडेंस वाले, तो पहले यहाँ विजिट कर लेना सर, उसके बाद में वहां जाना। मैं यहाँ पे चला गया, उसके बाद भी टेंशन था साला, यहाँ आया हूँ 10-15 मिनट में मुझे वापस वहां निकलना ही पड़ेगा। कोइंसिडेंटली वहां एक दूसरा मैसेज आया वहां वालों का कि उस फैक्ट्री में जाने वाले 3 रोड है, उसमें से 2 रोड पानी से भर गए, एक ही रोड बचा हुआ है और उससे जाना। मैंने कहा वाह जी वाह, तो इसको सेलिब्रेट किया मैंने, मजा आ गया आज। उसके बाद में तीसरा एक रीजन था मुझे वहां जाने का, आज हमारा एक मीटिंग था तो मैंने मुझे जाना ही पड़ेगा लंच तक, तो मेरा टिफिन आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पर होता हूँ तो मैं घर पे लंच के लिए आ सकता हूँ, तो टिफिन मेरे गेट पे पहुंच गया है। अभी वो जो बॉस है हमारा जनरल मैनेजर वो यही घूम रहा है, आज यार नहीं जाना है यार, अभी एंड मोमेंट पे जाके क्या मतलब है। तो मैं जनरल मैनेजर से बात किया, मैंने कहा आज अपना मंथली रिव्यू मीटिंग का क्या आई हूँ, शाम को रखेंगे 4 बजे। फिर मेरे को और गुस्सा है, 4 बजे यार उधर जाएंगे, फिर 2-4 घंटा उधर बैठा के 7-8 बजे घर पे आके मतलब नहीं है, इतना सोचा उसके बाद में सोचना छोड़ दिया। ये जो प्रैक्टिस है ना वो जाने ऊपर वाला जाने, इसके चक्कर में वो नेगेटिव थॉट आने थोड़े से कम हो गए, बंद नहीं हुए थोड़े कम हो गए। तो देखो कोइंसिडेंटली क्या हुआ, 4 बजे मैंने वापस मैसेज डाला, अरे यार उधर आना है कि नहीं आना सर बताओ ना, अकॉर्डिंगली आई कैन शेड्यूल, अरे कल का रखते हैं छोड़िए। देखो एकदम इजी है लाइफ, एकदम इजी, आप जो चाहते हो वो होता है, बट नेगेटिव थॉट्स को धीरे धीरे करके कम करना है। कम कैसे करोगे, बस एक ही चीज है, घर पे आपको लग रहा है अगर फोन पे हस्बैंड या वाइफ के साथ में आर्ग्यूमेंट हो गए, घर पे जाते ही लगने वाली है, तो क्या करोगे देखा जाएगा। आप देखना आपने लाइफ में काफी ऐसे लोगों को देखा होगा जो सक्सेसफुल है, उनके पास बिजनेस है, वो पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, उसके पीछे एक रीजन क्या है मालूम है, उसको आप कभी बोल के देखना, अरे यार रात को अपन तो वो बद्री केदार जाने वाले हैं लेकिन लफड़ा क्या हो रहा है कि ट्रेन में रिजर्वेशन कम है कैसे जाएंगे, वो आदमी क्या बोलेगा, चल ना देखेंगे रेलवे स्टेशन जाएंगे देखेंगे, लटकेंगे पटकेंगे कुछ भी करेंगे, किसी को तो झापड़ मार के भी खड़ा कर देंगे। वो लोग ये बोलते हम, अरे यार कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे ले जाएंगे, फलाना ढिमकार ये वो, मतलब हम पर्सनली एक काम करना, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए ना तो ये सारे सेंटेंस को लिखना और दूसरे दिन पढ़ना, खुद को ही गाली दोगे आप लोग कि मैं क्या सोच रहा हूँ मेरी लाइफ के बारे में, नहीं सोचना ये सब, ठीक है ना। और किसी को ये डाउट है तो मुझे बताओ, तो और ज्यादा कनेक्ट करके बताता हूँ मैं। हाँ एनीबडी, किसी के साथ में क्या क्या होता है थोड़ा शेयर करो तो उसके साथ में अपन कनेक्ट करते हैं। आज अपने ग्रुप में 2-3 ऐसे लोग हैं जो एकदम अलग तरीके से जीना जानते हैं, उनके ऊपर भी आऊंगा मैं, मजा आएगा। किसी को कुछ नहीं है, सब सब सिद्ध पुरुष हो, अरे वाह कुछ तो पूछ रहे बाबा। इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, मेरा मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल है, मतलब मैं नेगेटिव रहो या पॉजिटिव रहो जो भी मैनिफेस्ट करती हूँ ना वो रियलिटी में 100%, मतलब इंट्यूशन के बारे में अभी ये तक नहीं भी हुआ ये है। भी ये हाँ भी दीना, ये भी सत्यानाश करता है, ये भी सत्यानाश करता है, ये करता मैनिफेस्टेशन है ना है। वो सबसे बड़ी बीमारी है। मैंने मैंने रियलाइज किया कुछ महीनों पहले, क्या होता है मालूम है, एक तो याद रखना जो बंदा आप में से स्पिरिचुअल है या ऑकल्ट में, स्पिरिचुअल या ऑकल्ट जो धार्मिक बहुत है भगवान को मानता वानता है वो, और दूसरा स्पिरिचुअल है, या फिर ड्राइवर नंबर 3, 7, 4, 8, 3, 4, 7, 8, ये 4 नंबर याद रखना, जिनका भी ड्राइवर 3, 4, 7 या 8 है ना, इनको है ना भगवान ने लिया हुआ, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, वो जैसा सोचते हैं साला हो जाता है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई आदमी धार्मिक हो जाता है तो उसकी वाक सिद्धि हो जाती है, उसका थॉट प्रोसेस सक्सेस हो जाता है, वो जो सोचता है वो हो जाता है। अभी होता क्या है, जैसे दीना तू बोल रही है ना, तो क्या हो जाता है मालूम है, अगर हस्बैंड से फोन पे मजेक मारी हो गई तो हम बोलेंगे ठीक है शाम को देखते ही हूँ, लेकिन दिमाग में आज पक्का झगड़ा होगा, और वो 5,000 वाली बात भी निकलेगी, वो रेंट का भी बात निकलेगा, दूध का भी निकलेगा, आज खिचड़ी होने लगे, हमने मैनिफेस्ट कर दिया,
गए काम से, उससे अच्छा एक ही काम आने ना देखेंगे साला क्या है, देख लेंगे। वो मांगने वाले होते हैं ना कुछ लोग, तो हम लोग यही गलती करते हैं क्या है। और रिफॉर्मेशन करो, रिफॉर्मेशन करो। दूसरा, भगवान में, भगवान के मंदिर में जाकर के कभी ये मत बोलना, भीख मत मांगना, जो मैंने कई बार बोल चुका हूँ। आजकल मैं भगवान के पास जा रहा हूँ और मंदिर में टाइम स्पेंड करता हूँ, हफ्ते में कम से कम 2 दिन गारंटेड जाता हूँ, और कम से कम 45 मिनट वहां पर बैठता हूँ। और वहां पे दादाजी से ये शनिवार है, नेक्स्ट शनिवार तक दे, मेरे को इतना चाहिए, खत्म। कैसे देना है वो नहीं पूछ बोलता हूँ, मेरे को चाहिए। हम लोग भगवान से क्या बोलते हैं मालूम है, इस लड़की की शादी यहाँ पर होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। भगवान को उतने सारे क्लू मत दो, बाद में पता चलता है उसी से शादी हो गई, फिर तलाक के वादे, लड़ाई झगड़े। सबसे अच्छा क्या करो, भगवान को बोल दो भाई इस लड़की की शादी करवा दें, वो करवाएगा। उसको पता है कौन सा उसके लिए अच्छा लड़का हो सकता है, अच्छा परिवार हो सकता है, उसके हाल पे छोड़ दो। दूसरा चीज, ट्रस्ट करो उसके ऊपर। जैसे कि और एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि हेलो सुखराम मांझी जी, अनम्यूट करो तो भाई साहब। नमस्कार सर। आज ऑफिस में कुछ आर्गुमेंट हुआ क्या? आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो? जॉब करते हो? जॉब करता हूँ सर, जॉब। ऑफिस में स्ट्रेस था क्या, कुछ आर्गुमेंट हुआ है? स्ट्रेस नहीं सर। ऑफिस में कुछ हुआ था किसी के साथ में, कुछ भी छोटा मोटा डिबेट डिस्कस वगैरह कुछ हुआ था? डाउन थे आज ऑफिस में, यस और नो? नहीं सर। देखो ये इंट्यूशन मेरा गलत हो गया, तो ये नहीं समझना है कि इंट्यूशन गलत है, ठीक है ना। कई बार होता है ऐसा, बट अगर आप 100% जिस दिन प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपने वो देखा बाबा जी, कुछ लोग होते हैं ना हमारे सोसाइटी में होते हैं, किसी बाबा के पास ले जाते हैं या महाराज के पास ले जाते हैं, उसके पास जाकर के देखो तो वो ऐसे आंखें बंद करके बोल देते तेरे घर के पीछे नीम का झाड़ है। अब वो कहाँ देखने गया है, बट ये स्टार्ट है, आपको पता चल जाएगा कि इमेजिनेशन होगा। पर इसके ऊपर तो मैंने इतने नाटक किए हैं ना, बहुत नाटक किए हैं। अगर किसी के पास नेगेटिव एनर्जी हो, दिमाग में अचानक से थॉट आ जाता है किसके पास नेगेटिव एनर्जी है, मैं सीधा उसको बोलता हूँ। पर इसको इस लेवल पे पहला चीज तो याद रखना कि जिस भगवान को मानते हो ना उसके ऊपर इतना विश्वास करो ना कि गाड़ी 120 पे भगाओ साला, पलटी नहीं मारेगी, बाहर में गया वो बचाएगा, वो ऊंचा करके रखेगा। तो वो ट्रस्ट रिलेशन जब तक नहीं आएगा ना, नहीं काम होगा। हमारा भगवान पे भरोसा नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा एक चीज याद रखना कि भगवान के वहां पे आप लोग जाते हो शनिवार को, मंगलवार को, रविवार को, सोमवार को, जब भी जाते हो आप लोग क्या करते हो, नारियल ले जाकर के थप्पा आग से मस्त फोड़ते हो ऐसी की तैसी करके, और उसके बाद में थोड़ा सा उनको चढ़ा देते हो। आपकी मत करो, कभी भी किसी भी मंदिर में जाओगे जो भी फल है वहां पे दे करके वापस आना है, आप लेके नहीं आओगे। लेके नहीं आओगे इसका मतलब क्या है, क्या समझो, आपने मन्नत मांगी अपने लड़के के लिए 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, और वहां जाके क्या करते हैं, हनुमान जी का 2 लड्डू दे देते हैं, उनके पैरों में रख देते हैं, भगवान ये आपका पार्ट, बाकी 95-98% मेरा है, मैं बांटूंगी। गलत हुआ, पूरा के पूरा उधर चढ़ा दो सर, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, कमिट किया था, ये आपको चढ़ा रहा हूँ। हाँ, पुजारी उसमें से 2 पीस आपको दे दे, वो ले आना। ये हमेशा याद रखना, वहां से कभी कुछ नहीं लाओगे, नेवर नेवर नेवर, पहला चीज। दूसरा, भगवान काम कैसे करता है, इंट्यूशन तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करो, ठीक है ना सर। लेकिन वहाँ ऑफिस में नहीं हुआ था, अभी थोड़ा देर पहले यहाँ हुआ था सर, जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पर ले लो, मतलब इंट्यूशन नियर बाय था, चलो कुछ तो सामने आया है ना। और दूसरा चीज, जैसे ही आपको प्रैक्टिस में 10-15 ऐसे इंट्यूशन मिल जाए कि नहीं ये चीज काम करी है ना, उसके बाद में एक ही चीज करना, अपने आप को इतना ट्रस्ट करना, मेरा इंट्यूशन बोले तो खत्म कहानी। मैंने बोल दिया मोदी 2024 में नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, खत्म, दादागिरी ये होनी चाहिए, तब मजा आएगा। इंट्यूशन को ट्रस्ट देना पड़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, तो ये दे दो, सिंपल सी बात है। कई बार मैं क्या करता हूँ मालूम है, इसी के साथ में टेलीपैथी भी है, टेलीपैथी भी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड ही है। कई बार ऐसा होगा कि मैंने आजकल तो नहीं कर रहा हूँ, लास्ट 2-3 महीने से, अदरवाइज मैं ग्रुप में से ना अचानक किसी को फोन कर देता था, मुझे किसी का नाम याद आ गया कि नाइक साहब को फोन लगाऊं, दिमाग में थोड़ा टाइम लगा दिया, सामने वाला बोलता है अरे सर मैं अभी आपको याद कर रहा था और आपका फोन आ गया। ये आप सब लोगों के साथ भी होता है कि नहीं होता? कई बार बहुत लंबी उम्र होता है ये होता है सर। क्या है ये, क्या है ये? तो यहाँ पर एक चीज तो आपके समझ में आ गई कि कई बार आपने देखा होगा आप किसी दोस्त को याद करो, पुराने दोस्त को याद करो या किसी रिलेशन वाले को याद करो, अरे बहुत दिन बात हुआ है, रीना दिखी नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है, अचानक से रीना का कॉल आ गया, होता है ना ऐसा। फिर बोलते सर तेरे को याद करे थे, या तो उसका कॉल आ जाएगा या फिर वो शायद मिलने के लिए आ जाए, कोइंसिडेंट होते हैं इसको, ये कोइंसिडेंट नहीं, आपने मांगा और भगवान ने दिया।
आपने मांगा और इसको क्या बोल सकते हैं, मैनिफेस्टेशन बोलो तो भी, मैनिफेस्ट भी हुआ। तो मैनिफेस्ट में आप एक कार खड़ी नहीं कर सकते हो, बंगला खड़ा नहीं कर सकते हो, लेकिन कनेक्ट करो थोड़ा सा। जब भी हमने ये सोचा कि यार रीना काफी दिन से बात नहीं हो रही है, रीना कहाँ है यार, बहुत दिन हो गए ये वो, तो यहाँ पर हमारे पास ये चांस नहीं है कि रीना का कॉल नहीं आएगा या रीना बात नहीं करेगी, ऐसे कोई नेगेटिव थॉट नहीं, एकदम प्योर थॉट है कि बस रीना बात नहीं कर रही है, रीना का कॉल नहीं आया, फटाक से आ गया। लेकिन जब हम सर वो ना एनर्जी जो होती है ना वो भी ट्रेवल करती है, जैसे अगर आपने बहुत दिल से याद किया तो वो एनर्जी वो उस इंसान तक ट्रेवल करती है और वो एकदम से फोन उठाता है और कर लेता है। यस यस, ये मजेदार चीज है, ये बहुत मजेदार चीज है। इसमें देखो एक चीज बताता हूँ, थोड़ा मेंटल टेलीपैथी है ना वो। हाँ हाँ, देखो तंत्र से रिलेटेड एक चीज है जो मैंने कई बार प्रैक्टिस किया है, पता नहीं आप लोग शायद कहीं कनेक्ट कर पाओ तो कनेक्ट कर पाओ। कई बार एक, मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान में क्या होता है, पितरों को बहुत माना जाता है, एंसेस्टर्स को, है ना। तो एक चीज होती है कि समझो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में कोई आदमी एक्सपायर हो गया, बच्चा एक्सपायर हो गया, बड़ा एक्सपायर हो गया, तो वहां पर ये जो भी मतलब जानकार लोग होते हैं, जो महाराज बोलो या डिवाइन ब्लेसिंग वाले पीपल होते हैं, वो लोग क्या करते हैं मालूम है, बोलते हैं उस फैमिली को कि भाई तुम्हारा लड़का अहमदाबाद सिविल में एक्सपायर हो गया, उसको वहां पर है ना मतलब फूल वूल अत्तर वत्तर ये वो सब ले जाकर के उस हॉस्पिटल के उस वार्ड में जाकर के घूम के उसको लेके आना है, और साथ में वो डिवाइन ब्लेसिंग वाला जो पब्लिक होगा ना वो भी साथ में आएगा, उसको लेके हुए आएंगे, फिर वो किसी की बॉडी में आता है ये। मैं बचपन से ये सब कुछ देखते हुआ आया था। कभी एक दिन देखो मस्ती क्या हुई कि एक बॉम्बे में मैं भाईंदर में रहता था, ये आई थिंक 2011-12 की बात है। तो हम मेरे हमारी कास्ट वाला था बट वो रिलेटिव नहीं था, वो एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि वो बहुत डाउन चल रहा था फाइनेंशियली सारी चीज़ों में, तो उसने मेरे को फोन मतलब मिलने के लिए आया घर पे, चाय वाय पी ये वो, फिर उसने टॉपिक निकाला, तो अचानक मेरे थॉट दिमाग में आया कि इसके पापा अभी भी कहीं रास्ते में भटक रहे हैं उनकी आत्मा। तो वो बोला नहीं पॉसिबल ही नहीं है, वो दादाजी फरने दादाजी जो गांव बहुत अच्छे जानकार हैं उनको ले जाकर के हम लोग लेके आए थे। मैंने कहा नहीं है नहीं है नहीं है। बोले क्या बात कर रही हूँ, तो बोले कि ये यस। तो फिर वहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो गया, मैंने कहा रुक मैं तेरे को बताता हूँ, अब यहाँ पर मेरे को टेंशन हो जाना चाहिए था कि यार इसने तो कुछ और बोल दिया, मेरा इंट्यूशन कुछ और है। तो वहाँ पर मैंने नेक्स्ट इंट्यूशन आया कि वो लोग रस्ते में होटल में कहीं रुके थे और जो वो इनवाइट करके लाए थे फूल वूल जो पूरा पोटली लेके आए थे ना वो रस्ते में कहीं रख दिया है, होटल पे जब खाना खाने गए तो हाथ वाथ धोने के चक्कर में वो रख दिया और वो बंदा वहीं पर रह गया। तो बोले नहीं, मैंने कहा फोन लगा कोई बुड्ढा जिंदा होगा, तो फिर उसमें एक बुड्ढा जिंदा था उसको फोन लगाया गया। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा दादाजी ऐसा कुछ ना ऐसा तो नहीं याद आ रहा, मैंने कहा खाने के लिए चाय के लिए रस्ते में रुके थे। फिर उन्होंने बोला कि हाँ वो मांझी था ना, मांझी के पास में था पोटली और कार से वो अपन कार तो क्या थी उस समय जीप चलते थे, तो जीप में से वो पूरा पोटली लेकर के उसने ना वो बाहर एक हाथ धोने का था उसके ऊपर वो पोटली रख दी थी और उसके बाद में वापस उठाई ये, मैंने कहा ये वहां पे रह गया। अभी ये बात है ना प्रूफ हो गई अपना कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे। फिर मैंने कहा कभी उनको लाना कैसे, मैंने कहा जाओ उस होटल पे, तो अभी तो वो होटल कहाँ होगी, वो 25-30 साल पहले की बात है, अभी कहाँ होगी। मैंने कहा ठीक है चलो ट्राई करते हैं। नेक्स्ट थॉट आ गया, एक काम करो उससे उसको प्रे करो, अपने मालिक को प्रे करो, और एक इल्यूजन क्रिएट किया गया थॉट में कि नहीं उसके पापा को ये लिया जा रहा है। मैंने कहा तेरे पापा क्या करते थे, तो बीड़ी पीते थे, मैंने कहा बीड़ी का बंडल ला ठीक है आंखें बंद करके ये वो, और ये बीड़ी का बंडल ले जाके तेरे घर पे रख, मतलब आई वॉज मतलब मैं ये एक इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि नहीं वो जहाँ कहीं भी है उनको बुलाया गया, जैसे हम लोग मैं आपको बुलाऊंगा कि भाई शुक्ला जी कहाँ पे है, रीना जी कहाँ है, जहाँ कहीं भी हो यहाँ पे प्रकट हो ऐसा, तो बस वही चीज चल रही है। उसके बाद उनको लाकर वो बिली का मंडल उसको दे दिया, मैंने कहा इसको तेरे घर पे रख देना ठीक है ना, और इससे प्रार्थना करना। एंड मिरेकल, उसके पापा उसी रात को उसके सपने में आए, दूसरे दिन आकर के महाराज की जय हो। तो बियॉन्ड द लिमिट यू कैन गो, बियॉन्ड द लिमिट यू कैन गो। और इतने ऐसे किस्से सुनाऊंगा तो सुबह 4 बज जाएगी, इतनी सारी चीजें। कभी कभी क्या होता है मालूम है कि आपके पास में कोई बंदा आ जाता है, इंट्यूशन में चीज याद रखना, जो लोग निम्रो वास्तु एस्ट्रो कर रहे हैं ना उनको सबसे बड़ा ध्यान रखना है, डिवाइन डिवाइन में कोई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बंदा है ना, आप लोगों को क्या करना है, आपके पास में समझो ये हेलर्ड भाई साहब आ गए, सर जॉब का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, और अचानक आपके दिमाग में आ गया कि इसको बोलो दो क्या बोलते हैं दो अंगूर लेकर के है ना उसके ऊपर दो पीन मारना है, सामने वाले का नाम लेना और फेंक देना नाली में, ये थॉट आ गया दे दो उसको, उसके बाद में देखो ठंडा हो जाएगा सब मामला। मेरे मैक्सिमम जो रेमेडीज है ना जो गूगल पे नहीं है या किसी तंत्र से नहीं उठाई गई है, मेरी रेमेडीज पूरी हवा में होती है। जैसे 6 नंबर वाली काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपका किसी के साथ नहीं जम रहा है तो
तो उसका नाम छह नंबर पे, नेम नंबर छह पे ला करके छोड़ दो। मिरेकल यार 12 घंटा में रिजल्ट दे रहा है, इतना चल गया इतना चल गया, ठीक है ना। तो भगवान के साथ में कैसे कनेक्ट करोगे, एक याद रखना भी प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो क्लियर है, पहला चीज जो थॉट आ रहा है उसके ऊपर वर्कआउट करो, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। हो सकता है बच्चा गिर जाएगा या ये जो भी है थॉट, उसको सिर्फ ध्यान रखो कि मेरे दिमाग में थॉट आया था, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर उसके ऊपर बिलीव करो यार मेरे थॉट सही है, मेरे थॉट सही है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपके इंट्यूशन या आपका पूर्वाभास या जो भी बोलो इसको, ये काम कर रहा है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाओ, हार्डली अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की ना तो 15 दिन में ना आपके थॉट आने ज्यादा शुरू हो जाएंगे। अभी आप लोगों के साथ में क्या हो रहा है, महीने में एक आध बार थॉट आ रहा है ऐसा, जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में लाओगे ना तो डिवाइन एक्टिवेट हो जाएगा, फिर वो आपको डेली 2-4 थॉट दे देगा, ये कर वो कर ऐसे जा वैसे जा, तो ये बहुत ज्यादा काम करेगा। आया समझ में? और जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, किसी न किसी भगवान को, जो भी आप धर्म के हो, अपने भगवान को क्या बोलते हैं एकदम बेकार वाला बोले तो, आप अपने कोई दोस्त या आपका कोई भी है जो क्लोज है, नाराज हो जाता ना कैसे पटाते हो, उस लेवल पे उस भगवान को ला के रखो, एकदम मजेदार हिला दो भगवान को, मंत्र जाप करो और दादागिरी होनी चाहिए। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं, क्योंकि मैं इन सब चीजों में, मेरी मम्मी को पैरालिसिस हुआ, बहुत कुछ मतलब मेरा पास्ट बहुत बेकार था बचपन से लगा करके, तो काफी लोगों के पास गया हूं। तो मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो मुझे जानता था, बट मुझे पता नहीं था कि वो मतलब तंत्र मंत्र ये जो टोटके होते हैं उसको ठीक करता है। अब उसकी कहानी देखो क्या होता है। सबसे पहले तो दादागिरी होनी चाहिए, भरोसा नहीं दादागिरी, मैं समझो महादेव को मानता हूँ, महादेव का आशीर्वाद है, आ जा तू तांत्रिक प्रयोग करता, आ जा चल मेरे सामने बैठ के कर मेरे ऊपर तांत्रिक प्रयोग, घंटा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो दादागिरी होती है ना, वो दादागिरी लाओ। जितने भी 2 नंबर वाले सक्सेसफुल लोग हैं, कमीने लोग हैं, हरामी लोग हैं ना, उन सबके पास में ये कॉन्फिडेंस होता है। हमारा सबसे बड़ा तकलीफ तो यही है, कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद का तो तेल लगाने जाने दो, बट भगवान पे भी नहीं है, तो ये कॉन्फिडेंस रखो। तो वो बंदा क्या कर रहा है मालूम है, कोइंसिडेंटली मुझे पता चला कि उसके पास जाना है, बट मुझे नहीं पता था वो मेरा जान पहचान वाला है। तो उसके यहाँ पे उसने शमशान के बाजू में एक धोनी बना के रखी है, धोनी पता ना हवन हवन करते हैं साधु संन्यासी, ऐसी जगह पे उसने एक धोनी रमाई है। और मैं गया उसके वहां पे, मैं उसको देख के एकदम चौक हो गया। अब वो बंदा क्या करता है मालूम है, नारियल है समझो, ये आपके पास में नारियल है, इस नारियल के ऊपर है ना दोनों पैरों को ऐसे करके वो बैठ जाता है उसके ऊपर, ठीक है ना, और फिर है ना 2 उंगलियों से अपना बैलेंस रखता है। उसके बाद में कुछ मंत्र बोलता है, असला कसला पसंदी असंधी पसंदी, ये तो समझो अनिता जी है, अनिता जी के ऊपर ये वो सब कर दिया उसने, क्वेश्चन आंसर करता है। और ये चीज याद रखना, एक चीज सिखा देता हूँ चलो आपको, आपने कुछ लोगों को देखा होगा गेहूं के दाने के ऊपर क्वेश्चन आंसर करते हैं, कुछ लोग चावल पे करते हैं, कुछ लोग मकई के ऊपर करते हैं, ये पता है ना सबको, हाँ के ना, है ना, यस हाँ होता है सर। ये कर लो, ये खुद ही सीख लो, चलो आज सीख लो, कैसे सीखोगे मालूम है। तो ये बंदा क्या कर रहा है मतलब, इसका पैटर्न अलग था, ये नारियल है उसके पास में, एक फिक्स नारियल है सूखा नारियल, उसके ऊपर ऐसे पैर दे करके और 2 हाथों और 2 उंगलियों से ऐसे बैलेंस रखता है। फिर वो पूछता है सामने वाले को कि अनिता जी के ऊपर मतलब कोई तांत्रिक टोटका है, हेल्थ इश्यू है, तो घूम जाता है तांत्रिक टोटका है, ये है वो है, किसने किया, घर वाले ने किया, बाहर वाले ने, ऐसे क्वेश्चन आंसर। तो आप क्या करो मालूम है, सामने वाला कोई आपके ऊपर है, प्रैक्टिस करना इसको, मजा आएगा, आप तांत्रिक बन जाओगे ऐसा फील होगा सबको, मजेदार है, मस्ती मस्ती में करना, छोटा सा है ना, थोड़ा सा मतलब इतने से गेहूं उठा लेना, चावल उठा लेना, जो भी आपके पास में ना जाना, गेहूं चावल ले लो, मकई ले लो, थोड़े से ऐसे उठा लेना, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया कि सोनिया जी है, सोनिया जी मेरे पास आ गई है, फॉर एग्जाम्पल कि सर बहुत तकलीफ है, तो उनके ऊपर से मैं ऐसे 7 बार 8 बार मर्जी क्या उतनी बार घुमाना, और फुल टाइम पास है तो घुमाते ही रहना, हाथ दर्द नहीं करे तब तक अपने हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली 7 बार 21 बार मेरे पास रहोगे तो मैं कुछ ही घुमाता रहता हूँ ऐसा करके। फिर उसको जमीन पे रख दो, ठीक है, आपने जमीन पे उसको रख दिया, अभी बात करो अपने ब्लेसिंग से, महादेव से या जो भी धर्म को आप मानते हो उसको बोलो कि इसके पास में अगर हेल्थ इश्यूज है, फिजिकल हेल्थ इश्यू है, तो मेरे पैर बन जाने चाहिए 2-2 के, ठीक है। और अगर फिजिकल हेल्थ इश्यू नहीं है और कुछ नजर है या बाहर का कुछ है, तो कुछ बचना चाहिए लास्ट में, 1 और 2 या कुछ एक बचना चाहिए। फिर क्या करो, वो 2-2 के पैर बनाओ, गेहूं के या चावल जो भी है, 2-2 के पैर बनाओ, उसके बाद में बचेगा 1, मतलब सोनिया जी के ऊपर कोई हवा लग गई है, किसी की नजर लग गई, सिंपल।
आप करके देखना, इतना मजा आता है। अगर आपने शायद पुराने कोई वीडियो देखोगे तो कई बार क्लास में मैंने ऐसे उंगलियां की हैं, सेलेक्ट करो दिस और दैट। अब इसको पकड़ना कैसे मालूम है? कल मैं क्लास लेने वाला हूँ, क्लास में तुम ज्वाइन करोगे कि नहीं, ये सेलेक्ट करोगे तो ज्वाइन करोगे, ये सेलेक्ट करोगे तो नहीं ज्वाइन करोगे, ये मुझे ही पता है कि मैंने किसको क्या दिया, ज्वाइन नॉट ज्वाइन, ज्वाइन नॉट ज्वाइन, आपको तो पता नहीं है। अभी आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपने नहीं सेलेक्ट किया, वो आपके अंदर जो सोल बैठी है उसने सेलेक्ट कर लिया, वही आंसर मिल गए। मैं इवन घर में अपने फ्रेंड्स के बीच में भी कोशिश करता हूँ, मेरे बॉस को भी कई बार उंगलियाँ दिखाई है। एक बार क्या हुआ, ऐसे कैसे मीटिंग शुरू होने वाली थी, मुझे लगा वो बहुत गुस्से में था, मैंने कहा मेरे को भी धोएगा लगता है अच्छे से, तो मैंने क्या उंगली दिखा रहे रे, मैंने कहा सेलेक्ट करो ना कोई, मेरे को भी धोने वाले हो मेरे को नहीं धोने वाले हो। उन्होंने सेलेक्ट किया ये वाला, फिर मैं पूछ गया क्या हुआ काय को हंस रहा है, मैंने कुछ नहीं ऐसे कभी कभी मस्ती करता रहता, तो लोगों के लिए मस्ती है बट ये मेक श्योर है। तो कभी कई बार अगर मेरे को डाउट होता है तीन ऑप्शन भी दे देता हूँ ऐसे, चलो सेलेक्ट करो, तू मेरे साथ जाएगा नहीं जाएगा या तू भी नहीं जाने वाला, जो भी है ट्राई करके देखना, आपको इतना मजा आएगा ना कि क्या है। तो इससे आपको ये फील हो जाएगा कि एनर्जी ब्लेसिंग्स भगवान का आशीर्वाद सबके पास है, बिंदास है और बड़ा मजेदार है। सर वो गेहूं वाला बताइए ना दोबारा, सॉरी। आपने क्या किया, अभी आप मेरे पास आए ठीक है ना, सर बहुत तकलीफ है, पैसे की बहुत तकलीफ है, तो मैं क्या करूंगा, आप मेरे सामने बैठे आपके सर से थोड़े से गेहूं उठा दूंगा रेंडमली, उसको आपके सर पे ऐसे 21 बार 20 बार और मेरे जैसा रहेगा 50 बार भी घुमाएगा ठीक है, उसके बाद मैं जमीन पे छोड़ दूं। जमीन पे छोड़ने के बाद में अपने इंट्यूशन को बोलो, अपने पावर को बोलो, ब्लेसिंग्स को बोलो या यूनिवर्स को बोल दो कि शुक्ला जी के ऊपर जो लक्ष्मी का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, अगर वो पैसे का प्रॉब्लम टेम्प्रेरी है तो सिंगल बचना चाहिए, और अगर किसी ने ब्लॉकेज मारा है तो कुछ नहीं बचना चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा, दो दो के पेयर बनाऊंगा, उसमें से ऐसे खिसका दूंगा दो दो दो, फिर मेरे को मिल गया। उसके बीच में डाउट आ जाएगा, नहीं यार शुक्ला जी के ऊपर तो कौन ब्लॉकेज करेगा, दो बार चेक करो तीन बार चेक करो, नहीं तो फिर इसको याद करो ना अपना कौन सा मूवी था शोले, सिक्का उछलो। लेकिन ट्रस्ट होना चाहिए, बड़ा मजा आता है। और अभी मैं एल रोड पे काम कर रहा हूँ, जो हमारा नेक्स्ट सेशन आने वाला है ऑरा स्कैनिंग, उसमें भी यही चीजें हैं यार, मजेदार है, मजेदार रिजल्ट है। तो क्लियर है, ये एक चीज है। उसके बाद में आप किसी की बीमारी भी ठीक कर सकते हो, बीमारी भी मैंने की है, और कुछ भी नहीं करना है भाई साहब, इतना ऊपर वाला इतना मेहरबान है ना, उम्मीद नहीं कर सकते हो। कैंसर भी ठीक कर सकते हो, कुछ भी ठीक कर सकते हो। मैं तो आनंद फानन में कई बार फोन करके ना ऐसे ही दे देता हूँ, जो मुंह में आया बोल दिया, जो मुंह में आया बोल दिया, पता भी नहीं होता है, और सारा 100% सटीक होता है। एंड थैंक्स टू गॉड, आज तक मैंने अगर पर्सनली किसी को कुछ प्रेडिक्शन दिए या कुछ आंसर्स दिए ना उसके क्वेश्चन के, आज तक गलत नहीं हुआ है। लेकिन उसमें मेरा कॉन्फिडेंस है, साले 3 साल बाद भी मेरे पास ही आएगा तू कि ये सही था और ये निकला है। अभी का एक एग्जाम्पल हुआ, हमारे घर के सामने राजस्थान में ना एक फैमिली का एक ही लड़का था, पापा कुवैत थे, कुवैत में वो फ्लॉप हो गया तो यहाँ पर आया था। तो लड़के ने क्या किया, लव मैरिज कर ली उसी लड़की के साथ जिसके साथ उसका एंगेजमेंट था, और वो टूट गया, उसी लड़की को लेकर के शादी कर ली, जैसे तैसे सेटअप किया। अभी वो लड़की की गोद भराई थी, उसकी मतलब लड़के की वाइफ थी, इसने क्या किया मालूम है कि पापा और बेटे के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया, कमा के ला घर में पैसा नहीं है ये, वो बॉम्बे चला गया, बॉम्बे से फिर इधर गया उधर गया, फ्लॉप होके वापस राजस्थान आया। राजस्थान में भी इसको यही डटकार दिया गया, बच्चे को पैचाला ऐचाला वैचाला करके, तो बच्चा डिप्रेशन में ऑलरेडी था, उसके पास में 1000-2000 पड़े थे। वो अपने मासी के वहाँ मामा के वहाँ गया, वहां से फिर वो वापस आ रहा था उनकी बाइक पे, ऑन द वे वो जगह पे रुक गया। देखो इंट्यूशन कैसे काम करता है, इंट्यूशन अच्छे भी हो सकते हैं गंदे भी हो सकते हैं। उस बंदे ने क्या किया मालूम है, डिप्रेशन बहुत बेकार चीज है, वो रस्ते में उसने बोला मेरे को बाथरूम जाना है जरा गाड़ी रोक, गाड़ी रोक दी गई, और वो बंदा है ना झाड़ियों में से कहीं गायब हो गया, और उसने 1500-2000 रुपये का दारू पी लिया। दारू पी करके फिर वो दो विलेज है, दो गाँव के बीच में शमशान है, वहां जाकर के एक बैठने का रहता है, सीमेंटेड बना हुआ था, उसके ऊपर वो बंदा सो गया। शाम का टाइम था, रात को 7-8 बजे किसी ने देखा और ये चिल्ला रहा है पानी दो पानी दो, तो किसी ने एक गिलास पानी पिला दिया। उसके बाद में वो 10 बजे उसने फोन किया किसी को, मामा के लड़के को, बुआ के लड़के को, मेरे को आके ले जा। सब लोगों ने मजाक समझा, अरे वो तो रोज पीता है पड़ा रहता है जाने दो ही, और वहीं पर वो तड़प के मर गई। उसके बाद में बवाल क्या उठा मालूम है पूरे गाँव में, उसके पप्पा ने और उसकी मम्मी ने मिलकर मार दिया है, फलाना कर दिया, किसी ने बोला उसको बला ने मार दिया, ढिमके ने मार दिया, ये मार दिया, वो मार दिया, मेरा दिमाग संता वहां पे। और ये बेचारे रोने जो, एक तो देखो बच्चा खो दिया इस माँ बाप ने,
और ऊपर से पूरे गांव वाले इनको ब्लेम कर रहे हैं इसके चक्कर में। तो मैं फिर उनको वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल पे एकदम ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया पूरा पिक्चर कि भाई ये क्यों गया, काय को गया, कहां से गया, सारा चीज इंट्यूशन का गेम था। अच्छा एक चीज और, इंट्यूशन कब आते हैं पावरफुल इंट्यूशन? अभी ये छोटे मोटे इंट्यूशन को मारो गोली, बड़े इंट्यूशन कब आते हैं? आपने देखा होगा कई बार मेरे साथ क्या होता है, अगर मेरे को कोई रो धो करके फोन कर देता है, और ये सारे चार वालों के साथ में होता है, राहु अच्छे से ध्यान रखना जितने भी लोग राहु हैं, और आप लोग भी ध्यान रखना अगर आप राहु नहीं हो तो राहु का फायदा कैसे उठाना है। राहु ब्रह्मास्त्र है, क्या करना मालूम है, कोई राहु अगर है अभी आप लोगों में से होंगे एक दो चार, तो राहु के पास में एक एनर्जी है कि राहु के पास में अगर आप रो के जाओगे ना उसको जाकर के, यार जो भी नहीं चल रहा घर में, ऐसे रोने धोने बैठ जाओगे ना, उस समय जो राहु एक्टिवेट होता है ना, एक सेकंड में एक्टिवेट होता है, और वो उस समय कुछ ऐसी रेमेडी दे देगा ना, सेकंड्स में रिजल्ट देता है सेकंड्स में। और ये मैंने बोला है कई बार, तो मैं कुछ लोग होते हैं जो मेरे को रेगुलर फोन करते हैं, मैं उनको आंसर नहीं दे पाता हूँ, फिर रोने धोने बैठते, मैंने कहा अच्छा एकदम रोने धोने और मरने जैसी हालत हो ना उस दिन फोन करना, मैं यही बोलता हूँ उनको। फिर उस समय मैं नहीं बोलता, वो ऊपर वाला बोल देता है ये कर वो कर, और सुपर रिजल्ट, सुपर रिजल्ट। तो भगवान है कहीं ना कहीं। उस समय क्या होता है मालूम है कि आप किसी की दर्द को देख करके ना बहुत सेंटी हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, और इमोशनल जब हो जाते हो क्यों हो जाते हो, सामने वाले की तकलीफ देख करके। लॉजिक देखो, सामने वाले की तकलीफ आप अपने लिए नहीं, जैसे वो तकलीफ में आप दुखी हो जाते हो दूसरे की, तो ऊपर से ऊपर वाला भी एक्टिवेट हो जाता है। अब ये बड़ा बकवास लगता है, एक एग्जाम्पल ले लो, साई बाबा, साई बाबा के मंदिर शिरडी सब लोग गए होंगे, वो हिंदू है मुस्लिम है वो जाने दो, लेकिन साई बाबा के बारे में पढ़ लेना ऑनलाइन, कहीं पर कुछ नहीं मिलेगा कि वो शिव जी को मानते थे, कि अल्लाह ताला को मानते थे, कि वो अगरबत्ती जलाते थे, दिया जलाते थे, कहीं कोई लिखा हुआ नहीं है। पर उस बंदे के मुंह से कुछ भी नहीं निकला है कि जय श्री राम, के जय हनुमान, के या अल्लाह, कुछ भी नहीं निकला है, कहीं लिखा हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। उस बंदे की पूरी जो आप सीरियल्स भी आते हैं वहां पे देखोगे, तो वो बेचारा जो एजेड पर्सन है कोई उसके पास में चला जाता है, यार पेट में तकलीफ है ये, वो हाथ ऊपर उठा करके उसके पेट पे हाथ घुमा दे और पेट ठीक हो जाता है। वहां पे चीज क्या थी मालूम है, इसको ठीक कर, इसको ठीक कर, ठीक है, इसको एक कनेक्ट करके एक चीज देता हूँ, बहुत बड़ी चीज दे रहा हूँ, और डेफिनेटली मेरे को प्रॉमिस करो डेफिनेटली इसको करना, एक बीमारी का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। जॉइंटिस पता है ना सबको, है ना, जॉइंटिस का पता होगा कि इसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है पक्का, एक सर्टेन टाइम के बाद में जॉइंटिस वाला मर ही जाता है। आज मैं चीज बता रहा हूँ, गारंटेड छाती ठोक के ठीक कर दोगे, अगर डॉक्टर ने बोल दिया इसको ले जाओ, इसका जॉइंटिस बहुत बेकार चला गया, दादागिरी से करना, लेकिन दादागिरी मेरे वाली होनी चाहिए आपके पास में। क्या करोगे, मेरे को एक जमाने में जॉइंटिस हो गया था बॉम्बे में, 1200 रुपया पगार था मेरा, और मुझे पता ही नहीं था बॉम्बे में कौन किधर बिरले पार्ले सांता क्रूज फलाना डिंका कुछ नहीं, और मैं बहुत पूरा बॉडी पीला हो गया था। तो मेरे को एक जान पहचान वाले थे, उसने मुझे 100-200 रुपया दिए, बोले राजस्थान चला जाओ। गाँव गया तो एक गांव में मुझे लेके गए, वहां पर एक बाबा है वो झाड़ता रहता है, दबड़ दबड़ गालियां देता है यार इसका उसका, मतलब अभी बोल नहीं सकता हूँ क्लासेस में, पर वो लिटरली गालियां देता, तेल वेल हिलाता रहता और ठीक होते, मतलब हद है। वहां पे 3 दिन जाना रहता है, शनिवार मंगलवार और ऐसा 2-3 दिन जाना रहता है, और मैं लिटरली ठीक हो गया यार। मैंने कहा सला गाली दे करके कौन ठीक करता है। फिर है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, कम से कम 6 साल मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस की, सला है क्या, ये लोग करते क्या है, काफी लोगों से मिला बट कोई बताने को तैयार नहीं। फिर क्या हुआ कि मैं बॉम्बे में था, मेरी फैमिली में बच्चे को जॉइंटिस हो गया, मैंने कहा अब इसका क्या करना। मैंने देखो पैटर्न वही फॉलो किया, क्या करना है याद रखना, इसको अच्छे से समझ लेना और ट्राई करना, और डेफिनेटली आपके रिजल्ट आएंगे, और मुझे कॉल करके जरूर बताना, ठीक है ना, मुझे फीडबैक जरूर देना। अगर किसी को जॉइंटिस हो गया, जॉइंटिस के देखो 2-3 चीजें बता देता हूँ, 2 तरह का जॉइंटिस होता है, येल्लो और वाइट, ठीक है, पता ही होगा सब लोगों को। येल्लो जॉइंटिस में क्या होगा, आंखें पीली हो जाएंगी थोड़े से, और ऐसा करना उसको मुट्ठी भर के, अगर जब आप ओपन करोगे ना, ये जो रेड रेड स्पॉट दिख रहे हैं ना, जहाँ पे मैं ये दबाऊंगा तो वो रेड स्पॉट हो जाएंगे, उसकी जगह पे वो येलो दिखेंगे या वाइट दिखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जॉइंटिस कौन सा है। तो जॉइंटिस में एक ये ले लो, अगर किसी को बहुत ज्यादा हो गया ना, तो वो पानी भी उसको स्मेल मारेगा, बिस्किट भी स्मेल मारेगा, खाना भी स्मेल मारेगा, मतलब उसका जॉइंटिस पीलिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और महाराष्ट्र में इसको काविल बोलते हैं मेरे ख्याल से, मराठी में है ना काविल बोलते हैं। तो ये जब बढ़ गया ना तो स्मेल मारता है, इसका मतलब समझ लेना कि वो येलो वाला जॉइंटिस हुआ है। व्हाइट वाला होगा तो क्या होगा मालूम, आदमी दबा के खाएगा लेकिन कमर और पैर में तकलीफ होगी, रेगुलरली दबा के खा रहा है पी रहा है, लेकिन ये पेन किलर काम नहीं करेगी, तो मतलब जॉइंटिस है।
तीसरा चीज नाखूनों को भी आप ऐसे दबा दबा के देखोगे ना तो अगर ब्लड दिखना चाहिए, रेडिश दिखना चाहिए, वो रेडिश नहीं दिख रहा है तो व्हाइटिश दिखेगा या येलो दिखेगा, तो भी जॉइंटिस है। ठीक है, फिर क्या करोगे, अभी नुस्खे पे आ जाओ, सरसों का तेल लेना। ठीक है, सरसों का तेल लेना, गिरीश भाई को मैं अपने सामने बैठा दूंगा, ठीक है, पालथी मार के समझ लो, एकदम सिंपल सा है, वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे दे ही रहा हूँ। शांति से सामने वाले को बैठा दो, सरसों का तेल एक कटोरी में थोड़ा सा डालोगे, थोड़ा सा मतलब आधा कप जितना, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी डालोगे, और जो दुर्वा होती है ना, घास होती है अपने गणपति को चराते हैं वो टाइप की घास कोई भी उठा लेना, वैसे तो लोग दुर्वा बोलते हैं बट मैं तो कुछ झाड़ू भी लेके बैठ जाता हूँ कभी कभी, तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि वो आप दुर्वा ले लेना, दुर्वा ना मिले तो क्या करना, आपने जो झाड़ू देसी झाड़ू या कुछ ना कुछ ऐसा मतलब गुच्छे टाइप का छोटा सा झाड़ू टाइप का ले लेना, वो लेने के बाद में क्या करोगे, वो झाड़ू उसमें डाल दिया, उसके बाद में वो कटोरे को सर पे रख दिया गिरीश भाई के, उसके बाद में लेफ्ट साइड से नीचे उतारोगे, राइट साइड से नीचे उतारोगे और रख दोगे, और गिरीश भाई को बोलोगे कटोरा पकड़ के रखो, और कटोरा बड़ा लेना, इतना सा नहीं, कम से कम आधा किलो किलो आ जाए पानी, ऐसा लेना। उसके बाद में क्या करोगे, जब वो उतारोगे ना गिरीश भाई के ऊपर से, अगर समझो मैं उतार रहा हूँ, तो अपने भगवान को याद करना, अभी उस समय दिमाग मत लगाना हो, मैं तो महादेव का भगत हूँ तो महादेव को नहीं, अचानक से एक थॉट आएगा, गायत्री मंत्र जाप करो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः हनुमते नमः, ओम गणपताय नमः, जो भी आए फट से पकड़ लेना, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको ये। उसके बाद में क्या करोगे, यहाँ से लेफ्ट से नीचे उतारा, राइट से नीचे उतारा, उसके बाद में उसको क्या करोगे, सामने वाले को बोलोगे, गिरीश भाई को बोलोगे कटोरे की तरफ देख, वो कटोरे को देखेंगे, और मैं हिलाना चालू करूंगा, बोले मंत्र जाप करना है, जो भी करना है ये करते रहो, अनबिलीवेबल, वो पानी और आपका ये क्या बोलते हैं ऑयल मिक्स होना शुरू होगा, उसमें दो चीजें होंगी, या तो वो एकदम येल्लो हो जाएगा, बहुत ज्यादा येल्लो, मतलब येल्लो जॉइंटिस है, अगर वो व्हाइट हो गया, मतलब थोड़ा येल्लो रहेगा बट व्हाइट येल्लो रहेगा, मतलब इसको व्हाइट वाला है, हिलाते जाओ हिलाते जाओ हिलाते जाओ, और फिर क्या हो जाएगा मालूम है, वो एक पेस्ट बन जाएगा बहुत गाढ़ा, फिर हल्का सा पानी डाल देना, थोड़ा सा वापस हिलाओ, दो तीन बार ऐसा करो, उसके बाद में उसको उठा करके कहाँ डालोगे, वॉश बेसिन में डाल दो या टॉयलेट में डाल दो, फ्लश करो, कटोरी वापस लेके आनी है, वापस थोड़ा सा तेल लेना, तेल कंपेरिजन में ज्यादा रहेगा, पानी कम डालोगे, करते रहो, फिर जैसे ही वो मेल्ट हो गया, पूरा मिक्स हो गया, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा पानी और ये करते रहना, अचानक दो तीन बार जाड़ोगे ना, और साथ में ये इमेजिनेशन करना कि मंत्र जाप करना और इसकी ये सारी चीजें ठीक हो रही है, ये भगवान या अल्लाह या जो भी आप मानते हो, सबको बोलोगे ये सब ठीक हो रहा है, और उसकी आंखों में देखो, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, गिरीश भाई बैठे हुए तो मैं ऐसे इमेजिनेशन को मान रहा, ये सर से सारा उतर के इस कटोरी में आ रहा है, ये सर से सारा उतर के कटोरी में आ रहा हूँ, ये करते रहो, और ये तीन चार बार करते रहना, अचानक से थॉट आएगा छोड़ दो, तो उस समय जब भी आपके पास में एक्सीडेंटली एक इंट्यूशन आएगा छोड़ यूं, तो थप से फेंक देने का उसमें, मतलब जो हिला रहे खट्टा, उसके बाद में दो कदम पीछे किसको के खड़े नहीं होने उस टाइम के, फिर सामने, और कटोरी खुद डालने नहीं जाओगे, जो झाड़ रहा है वो कटोरी नहीं डालेगा, उसके अंदर कटोरी डलवा दो, उसके बाद में गिलास पानी लो, पानी लेकर के थोड़ा सा पी लो, अपने भगवान को थैंक यू करो, उस टाइम पे फिर इसको ये पूछना, बॉडी कैसा लग रहा है, थोड़ा हल्का लग रहा है क्या, और वो बोलेगा यार हल्का लग रहा है, उसके बाद में उसको अगर उसको स्मेल कर रहा था, बिस्किट पानी भी नहीं पी पा रहा था, अपने सामने पी लेना, पी चल हम बैठे हैं अभी हम जिंदा है, वो थोड़ा पानी पी लेगा, उसको ठीक लगेगा, उसके बाद में दोबारा तीबारा तीन बार अगर उसको जरूरत पड़ती है उसके वहम में कि नहीं थोड़ा ठीक लग रहा है सर, तो एक बार और झाड़ कर लेना, और ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जॉइंटिस का इलाज नहीं है, कई बार लोग ना इतने परेशान होते हैं, हालांकि बहुत सारी जगह पे पान मिलता है, कोई कुछ ना कुछ देता है, काढ़ा देता है, कुछ ना कुछ पीने के लिए देते हैं, बट ये कर लो, लोग आपको पूछेंगे और एक रुपया मत लेना, पैसा देंगे तो डोनेशन में दे देना, उसी के घर के बच्चे को दे के आ जाना, बट ये डेफिनेटली करना, जॉइंटिस का इलाज नहीं है मेडिकल साइंस के पास में तो बचाना है आप सबको, ठीक है ना, इसलिए ये चीज बता दिए, पर ट्राई करना। दूसरा चीज याद रखना, कभी कभी क्या होगा मालूम है, जब आप ये जॉइंटिस जाड़ोगे ना तो वो व्हाइट होगा ना येल्लो होगा फर्स्ट टाइम में, और हल्का सा ब्लैकिश हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाए तो समझ लेना भाई साहब किसी ने आंख मारी है, मतलब नजर मारी है, होता है ना कई बार किसी की नजर पड़ जाती है तो भी कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, तो याद रखना नजर पड़ी है, ये होता है। और दूसरा चीज याद रखना, हर किसी के घर पे जाके मत कर लेना, अपनी सोसाइटी में अपने एरिया में बोलना मेरे घर पे आ, तेरे घर पे नहीं आऊंगा, है ना, वो पोस्टमैन मत बन जाना, अपने घर पे करोगे अपने भगवान को याद करके। और उस समय याद रखना बैठना कौन सी डायरेक्शन में, ये भी सवाल पूछोगे,
तो उसमें आप जब उसको लेकर के बैठोगे ना, जब तेल वेल लेकर के बैठोगे, अचानक थॉट आएगा नॉर्थ में बैठ जाओ, ये जो अच्छा लगे फर्स्ट थॉट, हाँ दूसरा थॉट नहीं, फर्स्ट थॉट नॉर्थ फेसिंग बैठ जाओ और झाड़ के देख लेना। और जॉइंडिस नहीं होगा तो तेल और पानी मिक्स होगा ही नहीं होगा, नेवर, कब भी नहीं होगा, तेरे को बहुत बड़ा मंत्र है ये, ठीक है। तीसरा, फाइनेंशियल जहाँ पर इश्यूज है, साउथ ईस्ट में एक दिया जला दो 24 घंटे के लिए तेल का, और डीए का जो लो है वो अपनी तरफ रखना, वेस्ट की तरफ, समझो ये साउथ ईस्ट है, 24 घंटा जला के देखो, दल है किसी में दम है ना, 41 दिन जला के देखो, नहीं होगा तो आ जाना मेरे सामने। पैसे की जिसको भी तकलीफ है, बाहर में पैसा कहाँ से आएगा वो दिमाग मत लगाना, साउथ ईस्ट में सर साइड वाला दिया है वाट जलाना, ये वाला होता है ना, वो लंबी वाली, क्या बोलते हैं उसको, लंबी वाली साइड में, हाँ। और उसमें उसमें क्या करना, अभी अगर समझो वो बड़ा मत खर्चा करो, नहीं तो फिर बोलोगे पैसा है नहीं, तो अपने घर पे जो भी है ना, वो तो बीच वाला आता है ना, अगर बड़ा है वो तो बीच वाला आता है, तो पहले क्या करो, पहले खर्चा मत करो, पहले क्या करो कि वो जो अपने देसी दिया आता है ना वो दिया ले लो, लेकिन उसकी लो अपनी तरफ रखना, मतलब आप, मैं ईस्ट में फेसिंग कर रहा हूँ और वो साउथ में, दिए की जो लो है वो मेरी तरफ रहेगी, ये दिया है तो मेरी तरफ यहाँ पे लो रहेगी जो मुझे देख रही है, ऐसे दिया जला देना। दिया जलाने के बाद में, और ये 24 घंटा जलना चाहिए, जब भी बुझ जाए वापस तेल डालते रहना, और सरसों का तेल इसको कंटिन्यूसली, लो साइड, लो साउथ ईस्ट में देखते रहनी चाहिए, ईस्ट में लो अपनी तरफ देखना, अपनी तरफ लो को अपनी तरफ रखना है, दिया साउथ ईस्ट, कौन सी साइड, अच्छा ओके, मतलब हम रहेंगे ईस्ट की तरफ फेसिंग करके, कोना तो रहेगा साउथ ईस्ट, जैसे ये है तो ये अपना ईस्ट है, ये साउथ है और ये साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट में यहाँ कहीं मैं दिया जलाऊंगा तो मैं तो यहाँ पे खड़ा रहूंगा, तो दिए की लो मेरी तरफ रहेगी, okay. और मैं दिए की तरफ रहूंगा ही, मतलब दिया और हम दोनों आमने सामने लगा के देखो, अभी फर्क कैसे आएगा, तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन क्या करना, डेली आपके पास में 5,500 रुपया आ रहा है, 75 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, लेकिन 41 दिन, और जिसके घर में साउथ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम है, पानी है, मोरी है, लगाओ सर, ये तो कंटिन्यू होगा ना फिर 41 दिन 24 घंटे तो फिर, हाँ 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 यस, कंटिन्यू जलाना है, बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट है, मैं 4 जगह पर ये जला के आया हूँ और मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मतलब सर सरसों का तेल ही डालना है सिर्फ, हाँ सरसों का तेल ही डालना है वहां पे, और इसके अंदर थोड़ा पावर लाना है तो उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दो, दो लौंग डाल दो, और तंत्र, हाँ कंटिन्यूस होना चाहिए 41 डेज, यस, पैसा कंटिन्यू चाहिए नहीं चाहिए, और अगर रखते हो तो सामने रहना जरूरी है क्या, जिसको पैसा चाहिए वो पूरा 24 घंटे, अरे वो साउथ ईस्ट में जला के, मतलब जब जला रहे हो तो दिया हमारी तरफ, उसकी लो हमारी तरफ होनी चाहिए बस, उसके बाद में तुम किधर भी जाओ, अपने बेडरूम में जाके सो जाओ, टीवी देखो, जो देखना है वो देखो, उसके सामने नहीं बैठना है, ओके सर, नहीं बैठना है, ठीक है ना। और बड़ा मिरेकल रिजल्ट है, बड़ा मिरेकल रिजल्ट है, उससे कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, कहीं ना कहीं से पैसा ट्रांजेक्शन आना शुरू हो जाएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी कोई होटल है, दुकान है, वहां पे जला करके देखो, जो भी आप धंधा कर रहे हो वहां से भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि मैंने 4 जगह पे ट्राई किया है इसके लॉजिक से। हाँ कितने दिन तक, 41 डेज, मैं तो बोलता हूँ ना 6 महीना जलाओ साला, पैसा जिंदगी बनाना चाहिए, ये बड़ी तकलीफ है सर, फिर बीच में जोत अगर बुझ गई तो, हाँ बुझ गई तो जला दो ना, वो तो होने ही वाला यार, नहीं तो फिर एक 5,000 का नौकर रखना पड़ेगा दिए के पास बैठ, है ना, तो वो होने वाला है नहीं हमसे, हाँ 5-10 करोड़ आ जाएगा तो 5,000 वाला आदमी भी रख लेंगे, देखो अभी यही तकलीफ है अभी, मैं अपने आप करूंगी, मगर वो बुझ जाएगा तो चलेगा ना, जलाना है, लेकिन टाइम पीरियड भी फिक्स है क्या कि मतलब मॉर्निंग इवनिंग या कितनी देर के लिए जलना चाहिए, राहु ने बोला जब बोलो तब जला देना, शुरू कभी भी कर दो जी सर। एक चीज और, आपने जब वो गेहूं वाला बोला तो गेहूं कॉर्न और आपने क्या बोला, गेहूं कॉर्न चावल राइस चावल, यही क्यों, यही इनका क्या सिग्निफिकेंस है, मैंने यही देखा है, कुछ भी ले लो, मैं तो कुछ भी ले लेता हूँ, लेकिन आप क्या करोगे, काले उड़द लेके बैठोगे ना तो अपना आपका हस्बैंड वाइफ जो भी है वो चढ़ जाएगा आपके ऊपर, साला तांत्रिक टोटका लेके बैठा है, काला उड़द लेके बैठा है, ये वो, तो वो एरेक्चर हो, मेथी वेथी कुछ भी ले सकते हैं, ज्वार भी लेते हैं ना इसमें, कुछ भी देखो ये है ना,
साउथ में कुछ और ले रहे हैं, नॉर्थ में कुछ और ले रहे हैं, बट लॉजिक सही है, लॉजिक यही है। और सर जैसे अगर कोई नहीं बचा दैट मींस कि ब्लॉकेज है, वो आपको डिसाइड करना है कि मैं दो दो के पेयर बनाऊंगा, अगर कुछ नहीं बचा तो इसका आंसर ये है, अगर बच गया तो आंसर ये है। ओके ओके हाँ, लॉजिक दे देने सिंपल से। सर सरसों का तेल ही लेना है ना? सरसों का तेल हाँ। और दूसरा चीज कौन से भगवान का नाम लेके जलाना है? मेरा नाम ले लेना, अपने भगवान का नाम लेने यार। मैं उल्टा हूँ यार, राहु के क्लास में ना ये दिमाग नहीं लगाने का, बोलता हूँ करते जाओ, नहीं होता मेरे पास आ जाना। ओके ओके, क्योंकि दिल से निकलती है जो भी चीजें निकलती है कुछ कुछ चीजें, उसके बाद में जिनके घर में साउथ तांत्रिक प्रयोग हो रहे हैं, तांत्रिक प्रयोग हो रहे हैं एकदम सावधान अटेंशन। तांत्रिक प्रयोग के लिए क्या करोगे, ये बोल चुका हूँ मैं एक दो क्लासेस में, तांत्रिक प्रयोग के लिए तीन चीजें बता रहा हूँ। अगर पहली बात तो मन में वहम मत पालना है, अगर मेरी क्लासेस में और मेरे को फॉलो कर रहे हो, मेरे फैमिली में आ गए हो धर्म ग्रुप में, तो पहले तो मानना ही मत कि तुम्हारे ऊपर तांत्रिक प्रयोग है इसकी ऐसी की तैसी, है ना। भगवान को नचाओ और भगवान के सामने तीन तरीके याद करना, ये थोड़ा सा और समझना मजेदार है। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जब भी आपकी लाइफ में कुछ तूफान आ जाते हैं ना, तो तीन चीजें होती हैं, आप या तो भगवान को गाली देते हो, या भगवान के सामने रोते हो, या भगवान से आर्ग्यूमेंट करते हो, तीन चीजें नॉर्मली करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और इसमें चीज होती है, मैंने देखा पर्सनली, कुछ लोग रोते हैं ना तो उनका काम हो जाता है, थोड़ा सा सॉल्यूशन मिल जाता है, कुछ लोग गाली देते तो सॉल्यूशन मिल जाता है, और कोई लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं भगवान नहीं मिला था क्या तुम ऐसा करने के लिए, जब देखो तो उनका काम हो जाता है। आप अपना फ्लेवर चेक करना, आपको मालूम है रेमेडीज क्यों सब पे काम नहीं करती है, सबका फ्लेवर अलग है। एक बंदा है मेरा दोस्त बॉम्बे में रहता है, नाम नहीं लूंगा, उसके लाइफ में जब भी कुछ हो गया ना वो सिर्फ भगवान को गाली देता है। यहाँ पर देखो मैं इसका रीजन भी बताऊंगा, मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं गलत चीज नहीं बता रहा हूँ, इसके लॉजिक्स बताऊंगा कि वो जब भी भगवान को गाली देगा ना, कुछ भी हो गया, ऑफिस से जॉब छूटने की नौबत आ गई, उसने गाली वाली दे दी ना भगवान को, 15 मिनट बाद सब सॉल्व हो जाता है या नेक्स्ट डे सॉल्व हो जाता है। तो एक दिन क्या हुआ, मैं उसके घर पे उसके साथ ही बैठा था, वो बिंदास गालियां दे रहा है, मैं बैठा हूँ मेरे सामने, मैंने कहा यार पागल है क्या, कौन गाली देता भगवान को। उसके बाद में फिर उसने बोला कि नहीं, लेकिन एक चीज मैंने देखी यार, मैं भगवान को गाली देता हूँ मेरा काम हो जाता है, मैंने कहा वेरी गुड। फिर इसके ऊपर भी मैंने बहुत थका, मैं अलग अलग लोगों का फ्लेवर देखा, तो वहां पे एक चीज पता चली कि किसी को गाली से काम हो जाता है, किसी कोई प्रार्थना करता है तो काम हो जाता है। तो आप अपना फ्लेवर ढूंढो कि भगवान के साथ में आपका कनेक्शन कौन सी साइड से, मतलब नाराजगी वाला है, रोने वाला है, ये वाला है, वो वाला, पकड़ो इसको 10 बार प्रैक्टिस करके या 10 अलग अलग इंसिडेंट में चेक करना, जो आपको पकड़ में आ जाए ना कि मेरा यही तरीका काम करता है, फिर देखो उसको फॉलो करो, बाकी सब क्या तेल लगाने, समझो भाई बात भी नहीं करती तो रोने बैठ जाना, भगवान क्या कर रहे हो, समझ रहे हो ना। जो भी है एक फ्लेवर है। अभी यहाँ पर आप बोलोगे साला भगवान को गाली देने वाला हमको समझ में नहीं आ रहा है, देखो एक चीज याद रखना, भगवान को कोई गाली नहीं दे सकता, हमारी औकात नहीं है। और दूसरी चीज, वो हम सब पूरी यूनिवर्सिटी का बाप है, वो जो भी है उसको अल्लाह बोलो भगवान बोलो, तो सबसे बड़ी ताकत है, हम सबका बाप है, और उसको पता है कि मेरा बच्चा नाराज है, ये हो गया वो गया, इसलिए होता है ना, जैसे हम लोग भी हमारे बच्चे में एक बच्चा नाराज होता है तो गालियां देता है, गुस्सा करता है, एक बच्चा नाराज होता है तो रोता है, तो उसको भी पता है ये कमीने बच्चे हैं मेरे, कोई रोता है, कोई क्या करता है, कोई ये हो जाता है वो, तो भगवान कहीं नाराज नहीं होते। एक चीज याद रखना, पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसा है जो आपसे नाराज नहीं होता, सिर्फ भगवान कभी नाराज नहीं होते, ये दिमाग से निकाल देना, उनको पता है आपका नॉटीनेस, ये कमीना है साला, लास्ट टाइम बोला था 1 किलो केला चढ़ाऊंगा, अभी ऐसे ही आ गया खाली हाथ, कमीना हरामी, वो भी ये सोचता है, वो मजे लेता है आपके, और कुछ नहीं है, है ना। तो इसमें करना क्या है आपको, के पहले तो ये फ्लेवर चेक कर लेना, क्लियर है ना सबको, कि आपका कनेक्शन कैसे, ठीक है ना। जैसे वाइफ के लिए नॉर्मली चीज होती है, या जो लड़कियां होती है ना, जब लड़के नाराज हो जाते हैं या हस्बैंड नाराज हो जाता है, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो कुछ काम की नहीं हूँ, जैसे ही उसने अपने आपको क्या बोल मतलब अपनी गलतियां बताई ना, तो हस्बैंड नहीं यार तू अच्छी है यार, वो तो होता है कभी कभी, तो गुस्सा करती है, तो ये उसको एक फ्लेवर पता चल गया है कि साला मुझे अब खुद को डोमिनेट करना है, मेरा काम हो जाएगा। तो वैसे ही ये पता करो कि भगवान के सामने क्या करना है हमको, और ये जैसे ही आपके पकड़ में काम करना शुरू करो, बड़ा मजा आएगा, मिरेकल मिरेकल। मेरे साथ क्या होता है मालूम है, मैंने अगर गलती से मेरी आंख से एक आंसू टपका दिया ना, तो भगवान हिला देता है पूरा यूनिवर्स, और धनाधन सॉल्यूशन मिलता है, तो मैं रोता हूँ,
चाहे भगवान के, लेकिन किसी के सामने नहीं आया, नहीं तो भाई भाकर के क्या हुआ साला, सुबह से मुंह चढ़ा के बैठा है और अभी शाम को रोने बैठा है। तो मैं क्या करता हूँ, कहीं अंदर बैठ जाऊंगा बंद कमरे में, रो लूंगा, और वर्स्ट केस में बहुत एक्सट्रीम हो गया किसी मंदिर में जाके रोऊंगा। क्योंकि एक चीज याद रखना, आपकी गालियों का, आपकी नाराजगी का, आपके आंसुओं का, आपके रोने का, दो वो गुण का अगर कोई कदर करता है, कोई रेस्पेक्ट करता है, तो भगवान ही करता है, उसको सब मंजूर है। जो हम लोग बोलते हैं ना, कोई मेरे को ऐसे प्यार करे जो मेरे लाते गुस्से गाली गलौज सब बर्दाश्त करे, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में भाई साहब जो आपका सब बर्दाश्त करेगा। तो प्यार करना है तो ऊपर वाले से करो यार, बड़ा मजा आता है ना। तो वो हर तरीके से पसंद है, आप शेविंग करो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा, यार आ जा मेरे बेटे, वो तैयार है। तो ये ओके, अभी आ जाते तांत्रिक पे, घर के साउथ ईस्ट में। मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगी अगर आपकी परमिशन हो तो। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया ना, जो आपने बताया था कि जो जिनको वो बीड़ी जो पी रहे थे दादाजी जिनका वो था, ऐसे मेरे साथ एक केस हुआ था, क्योंकि मैं भी मीडियम शिफ्ट करती हूँ। तो एक मेरी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड की ना अचानक डेथ हो गई, एंड अचानक होने की वजह से वो दूर